भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परनाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। लखन कहो हंसी सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं विषव प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। उधर श्री लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध तो पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोपु करिए सब अब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ी रिसाने, बैठी होई पाए पिराने। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। लूटा टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखनी जन को डेहराहे, मस्ट करो अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवा कर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, आप चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगपति सुनी सुनी निर्भय बानी, निस्तन जनई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार तो बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध में जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले रामई दे इनिहोरा, बचाऊं विचारे बंधु लग तोरा। मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, रिस रस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी यूं कहने लगे, हे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। सुनी लक्ष्मण भी से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुची, परिहरी बानी बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। उधर यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंस पड़े। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे वे सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचनु करिए नहीं कान। उधर श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से कहने लगे, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए, उसे सुना न सुना कर दीजिए। बैर रही बालकु एक सुभाहु, इन्हीं ने संत विदुषी ही काऊ। तेहि नाई कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बराई और बालक का एक स्वभाव है, संत जनी ने कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ,
श्री राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप वधु वैधव गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूंगा। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अधम अनुज तव चितव अनैसे। एके कंठ कुठार उन दीना, तो मैं काह को पुकरी कीना। मुनि कहने लगे, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। उसकी गर्दन पर मैंने कुठार ने चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम दोहा। गर्भ शत्रु वही अब निप रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखो जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। परशुराम जी कहने लगे, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहिन हाथु दही ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिर सुबाहू, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुत्सित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्र भी हेसी सिरुनावा। बाहु कृपा मुहूर्ति अनुकूला, बोलत वचन धरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटी बालकु, एहू किन्न चहत जड़ जमपुर गेहू। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करो किन आ किन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोठा। भीसे लखनऊ कहा मन माही, मुंदे आंखी कतहु को नाई। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंसी हंस कर मन ही मन कहते हैं, आंख मूंद लेने से कोई कहीं भी नहीं है। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम दोहा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमारे प्रभो दुसियावर। राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से कहने लगे, रे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरू शिव द्रोही, मंदु से इतने तय मारहु तो ही। भृगपति कहीं कुठार उठाए, मन मुस्का ही राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से ही तुझे मार डालूंगा।
इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुदाही ते बड़ दोसु, टेड जानी सब बंद ही काहू, बक्र चंद्रमहि वित गर सही न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कह रहे हैं, दोस्त लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है, टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋषि तजिय मुनि सा, कर कुठारो आगे यह सीसा, जहि ऋषि दाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। फिर श्री राम जी ने प्रकट में कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुज अपना दास ही जानिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। प्रभु ही सेवक ही समरू कसे, तजहुं विप्रवर रोसु, बेसु बिलो के कैसी कछु, बालक नहीं है दोसु सियावर। राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कर दीजिए, आपका वीरों का सब वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका तो कोई भी दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरी कहीं ऋष बीरु विचारी, नामु जान पे तुम ही न चीना, वंश सुभाए उतरु ते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक क्रोध आ गया, यह आपका नाम भी नहीं जानता था, पर उसने आपको पहचाना भी नहीं, अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम होते हूं मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, छमहु चूक अन जानत केरी, चहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हे मुनि, यदि आप मुनि की तरह ही आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए, ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरी बरी कसीना था, कहूं न कहां चरण कह माथा, राम मात्र लघु राम नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहां चरण और कहां मस्तक, कहां मेरा छोटा सा राम नाम मात्र है और कहां आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, चमू विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये नौ गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपकी आपसे हारे हैं, हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगपति सहुस हसी, तहु बंधु सम बाम सियावर। राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है, निपट ही द्विज करी जा नहीं मोही, मैं जस विप्र सुना वह तो ही, चाप शत्रुआसर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं, धनुष को शत्रुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामाइप भय पशु आई, मैं यही परसु कटी बलि दीने, समर जग जप कोटिन कीने।
चतुरंगनी सेना सुंदर समीधाए। यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निद्र विप्र के भोरे। बंजे उचापू दापू बड़ बाढ़ा, अहमति मनोह जीति जग उठाडा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुवत ही टूट पिना के पुराना, मैं कहीं के हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष बहुत ही पुराना था, छूते ही टूट गया, इसके टूटने से मैं किस कारण अभिमान करूं। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। जो हम नीदर ही विप्रवदी, सत्य सुनू भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बसना वही माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जोरण हमी पचार हो कोई, लड़ई सुखेन काल किनु होई। देवता जैते राजा या कोई और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो जाएं, अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूं सुभाव न कुल ही प्रशंसी, काल हूं डरही न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, तीर रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अब होई जो तुम ही डराई। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परसु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पट खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मिटई मोर संदेहु। देत चापू आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। श्री राम के वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही श्री राम के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रेम उनके हृदय में समाता ही नहीं था। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जपले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।